So persuasive quests are messages that ask the reader to do something that he or she is inclined not to do. अब persuasive quests जो है और messages ऐसे होते हैं जो कि आप अपने reader को कुछ ऐसा करने को कह रहे होते हैं जो कि वो करना नहीं चाह रहे होते हैं, लेकिन आपकी वजह से, जो आपकी persuasion की वजह से वो agree हो सकते हैं. Since the reader automatically wants to refuse our request, we need to convince him or her of the benefits of doing what we are asking. तो ऑटोमेटिकली जब आप अपने रीडर को ये चाह रहे हो, आपको पता है कि वो उसको रिफ्यूज़ कर सकता है हमारी रिक्वेस्ट को, तो आपने उसको कन्विंस करना है. सो कन्विंस करना है आपको अपने बेनिफिट्स के लिए, या जो भी आप कहना चाह रहे हैं, उसको जो करवाना चाह रहे हैं आप, उसके लिए आपने उसको कन्विंस करना है. देयर फॉर द डायरेक्ट अप्रोच विल नॉट बी इफेक्टिव. अब वहाँ पर जो डायरेक्ट अप्रोच है वो वहाँ पर काम नहीं करेगी. इंस्टेड यूज द AIDA फार्मूला, दैट इज IDA फार्मूला, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन. अब इसके लिए आप जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन फार्मूला होगा, जिसे कि हम फर्दर इसको एलैबोरेट करेंगे. सो अट्रैक्ट द रीडर फेवरेबल अटेंशन इन द वेरी फर्स्ट सेंटेंस. अब आपने अपने रीडर की जो है अटेंशन हासिल करने के लिए जो फर्स्ट सेंटेंस है वो बहुत ही कैची होना चाहिए. कन्विंस द रीडर राइट एट द स्टार्ट दैट यू हैव समथिंग यूजफुल और इंटरेस्टिंग टू से. आपको शुरू में ही आप ऐसी बात शुरू से आपने इसको स्टार्ट देना है आपके जो आपका जो रीडर है वो उसको पढ़ते साथ ही जो आप उसको कन्विंस आपकी बात से वो कन्विंस होना शुरू हो जाए. मेक द ओपनिंग स्टेटमेंट ब्रीफ एंड एंगेजिंग विदाउट मेकिंग एक्स्ट्रावागेंट क्लेम्स. अब आपने जो है उसके ओपनिंग स्टेटमेंट जो है वो इतना मुख्तसर बनाना है कि जो आपकी जो इंगेजिंग है आप उसको एंगेज रखना है आपने, कि आपके कोई भी जो एक्स्ट्रा जो आपने जो है ना उसमें कोई दावे नहीं करने हैं, लाइक बहुत ही बड़ा चढ़ा के आपने बात नहीं करनी है. सेकेंडली, अरोज द रीडर्स इंटरेस्ट सो दैट शी और ही विल कंटिन्यू टू रीड द लेटर. अब आपने उसकी जो जो उसका वो उसका जो दिलचस्पी है, उसका इंटरेस्ट है, आपने उसको बढ़ाना है कि वो उस लेटर को फर्दर पढ़ने पर जो है आमादा हो जाए. दिस सेक्शन एक्सप्लेन द रेलिवेंस ऑफ योर मैसेज टू द रीडर. अब आपने इस सेक्शन में आपने क्या देखना है कि आपने अपने उस रीडर को जो है उसको एक्सप्लेन करना है आपकी उसके अपने मैसेज की रेलिवेंसी की, उसका क्या ताल्लुक है रीडर के साथ. कंटिन्यूइंग द थीम यू स्टार्टेड विथ, पेंट अ मोर डिटेल्ड पिक्चर विद वर्ड्स. अब आपने अपने थीम के ऊपर रहते हुए आपने अपने पॉइंट को फर्दर उसने आपने उसकी डिटेल जो है उसकी पिक्चर वो देना शुरू कर देनी है. योर गोल इज़ टू गेट द रीडर टू थिंक दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग आइडिया, कुड इट पॉसिबली सॉल्व माई प्रॉब्लम्स. अब आपने रीडर को ये सोचने में मजबूर कर देना है कि उसे ये लगे कि ये कोई इंटरेस्टिंग आइडिया है जो कि उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, ठीक है. थर्डली, क्रिएट अ डिज़ायर टू हेल्प. दीज लेटर्स always emphasize how the reader will benefit from doing what we are asking. अब आपने उसमें एक ख्वाहिश पैदा करनी है, उसमें एक उसमें के हेल्प, आप उसको ये दिखाओगे कि आप में जो एक हेल्पिंग जो है आप हैंड बन रहे हो उसके लिए, आपकी ये डिज़ायर है कि आप उसकी हेल्प करना चाह रहे हो. सो अब लेटर जो है आपका जो रीडर को इस तरह से उस पर फोकस कर रहा होगा कि वो उसे लगेगा कि वो आप कि जो रीडर जो आपके जो भी आप उसको ऑफर कर रहे हैं वो उससे उसको फ़ायदा हो सकता है. इन लेटर्स आस्किंग फॉर डोनेशंस एम्फेसाइज डूइंग गुड फॉर द कम्युनिटी, हैविंग हिज और हर नेम कनेक्टेड विद द राइटर ऑन द इवेंट और पब्लिसिटी. अब आप इसमें क्या कर सकते हैं कि अगर आप कोई भी अगर आप डोनेशन के लिए काम कर रहे हैं तो एम्फेसाइज कर सकते हैं, आप कुछ अच्छा अगर करते हैं कम्युनिटी के लिए तो उसका जो नाम है उससे कनेक्ट हो सकता है उस इवेंट के साथ, उस राइटर के साथ उसकी जो है मशहूरी जो है वो हो सकती है, ठीक है. इन लेटर्स आस्किंग फॉर फेवर्स एंड हेल्प एम्फेसाइज हाउ द रिक्वेस्ट विल हेल्प हिज और हर रेपुटेशन और विल हेल्प द राइटर्स गुड कॉज. अब इसमें आप ये कह सकते हैं कि जब आप कोई भी लेटर आप किसी को फेवर जो अगर आप ले रहे हो या कुछ हेल्प जो है आप उसमें मांगना चाह रहे हो तो आपका एम्फेसाइज जो आप किस बात पर एम्फेसाइज कर रहे होंगे कि किस तरह से उसकी आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको हेल्प करेगी उसकी रेपुटेशन को जो बेहतर बनाने के लिए और एक अच्छे मकसद के लिए. देन फोर्थली, मेक क्लियर द एक्शन द रीडर नीड्स टू टेक. अब आपने जो रीडर ने जो काम करना है उस एक्शन को आपने क्लियर करना है कि एक्चुअली आप चाहते क्या हैं कि रीडर करे क्या, आप क्या रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, क्या आप रीडर को क्या करवाने के लिए जो आप उसको परस्यू कर रहे हैं. So this section offers a good opportunity for one last reminder of the main benefit the reader will realize from the action you want.
अब ये जो सेक्शन है ये आपको एक अच्छा मौका देगा, एक लास्ट उसका एक रिमाइंडर होगा कि आपका जो मेन जो उसका बेनिफिट है रीडर का, वो उसे उससे ये पता चलेगा कि इस सेक्शन से उसे क्या फ़ायदा जो वो हो सकता है जो कि आप चाहते हैं। टेल द रीडर व्हाट टू डू टू हेल्प, आप उस रीडर को बताएंगे कि आप क्या चाहते हैं कि वो हेल्प करने के लिए क्या करें। सच एज सप्लाइंग अ नेम ऑफ अ कॉन्टैक्ट, अ फ़ोन नंबर, रिप्लाई फॉर्म, स्टैम्प्ड एनवेलप एंड विद द स्टेटमेंट ऑफ अप्रिसिएशन। अब आप अगर कोई रिक्वायरमेंट है आपके, कोई कॉन्टैक्ट को आपको चाहिए, कोई फ़ोन नंबर चाहिए, कोई रिप्लाई फॉर्म चाहिए या स्टैम्प्ड एनवेलप चाहिए, तो आप उसके साथ जो है आप उसको प्रॉपर बता सकते हैं कि वो किस तरह से आपकी हेल्प कर सकता है। दैन आप जो एंड करेंगे वो एक बहुत ही एक तारीफ़ी कलम जो स्टेटमेंट या कलमात के साथ आपने उसका इख्तिताम करना है अपनी गुफ्तगू का। देन अब हम ये देखेंगे किस तरह से जो है हमारे पास ये डायरेक्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट अप्रोच जो है वो यूज़ हो रही है, और किस तरह से जो हमारे पास ये फार्मूला AIDA इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे। सो लेट्स सी, अब डायरेक्ट रिक्वेस्ट जो है वो कहाँ पर यूज़ होती है, दैट डू नॉट रिक्वायर कन्विंसिंग। अब ये क्या है, जिसकी जहाँ पर कन्विंसिंग की ज़रूरत नहीं होती वहाँ पर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट रिक्वेस्ट जो है वो यूज़ करते हैं, और ये क्या होती है, डायरेक्ट अप्रोच होती है। सो इनडायरेक्ट अप्रोच कहाँ होती है, अब यहाँ पर ये जो हमारे पास कन्विंसिंग नहीं रिक्वायर्ड है वहाँ पर ये क्या है, गुड न्यूज़ मैसेजेस हैं। देन इनडायरेक्ट अप्रोच कहाँ पर यूज़ करते हैं, जहाँ पे कोई बैड न्यूज़ देनी हो, दैट गिव न्यूज़ फेवरेबल टू द रीडर, नॉट फेवरेबल टू द रीडर। अब ऐसी कोई न्यूज़ देना जो कि फेवरेबल नहीं है उसके लिए हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट अप्रोच यूज़ करेंगे। अब आइडिया क्या है हमारे पास, पर्सुएसिव रिक्वेस्ट That need to convince in the readers। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, अपने रीडर को कन्विंस करना है, जैसे कि सेल्स के जो डिपार्टमेंट में होता है। देन सिचुएशन सच एज कंप्लेंट्स एंड क्लेम्स, अब कुछ कंप्लेंट्स या जो आपने क्लेम्स करने होते हैं, रिजर्वेशन या अपॉइंटमेंट्स बनानी होती हैं, ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट फॉर एक्शन, इंक्वायरीज अबाउट गुड्स, पीपल और सर्विसेज, गुड न्यूज़ अबाउट हायरिंग, क्रेडिट क्लेम्स, अदर गुड न्यूज़, यह सब चीज़ें जो है हमारे गुड न्यूज़ मैसेज में आ सकती हैं। देन अगर हम बैड न्यूज़ को मैसेजेस को देखें तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, रिफ्यूज़ क्लेम्स, रिफ्यूज़ क्रेडिट, डिक्लाइन सर्विसेज एंड फेवर्स, नेगेटिव न्यूज़ अबाउट ऑर्डर्स, टर्न डाउन एप्लीकेंट, अदर बैड न्यूज़, कोई भी बैड न्यूज़ जो कि इस तरह की हो सकती है जिसमें आपको कोई किसी क्लेम को रिफ्यूज़ कर रहे हैं, कोई क्रेडिट को रिफ्यूज़ कर रहे हैं, सर्विस से जो है उनको डिक्लाइन कर रहे हैं, या फेवर्स को कुछ नेगेटिव जो कोई भी जो है न्यूज़ आप दे रहे हैं, तो ये सब इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इनडायरेक्ट अप्रोच जो हम यूज़ करेंगे। देन जो हमारे पास फर्दर हमारे पास हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं जो AIDA में, पर्सुएसिव रिक्वेस्ट फॉर हेल्प, फेवर, डोनेशंस, कोऑपरेशन, स्पेशल प्रिविलेजेस, देन एक्सेप्शन टू कंपनी पॉलिसी एंड वारंटीज, अब इस तरह की चीज़ों के लिए आप जो है ये परसुएसिव जो है रिक्वेस्ट वो यूज़ करेंगे। देन स्टार्ट विद मेन आइडिया क्या होगा, आपका रिक्वेस्ट होगी प्लीज़ सेंड मी योर लेटेस्ट कैटलॉग, गुड न्यूज़ योर लोन इज़ अप्रूव्ड, इस तरह की चीज़ें आप जो है इस तरह से लिख सकते हो। देन बफर इनडायरेक्ट अप्रोच होगी, अगर अप्रिसिएशन होगी, थैंक यू फॉर योर लेटर, अदर पॉजिटिव ओपनिंग, यू आर राइट टू एक्सपेक्ट गुड सर्विस, अब ये चीज़ें आपने शुरू में इसको लिखनी है। देन अट्रैक्ट द रीडर्स फेवरेबल अटेंशन, नो यू विल नॉट बी पेइंग हायर टैक्सेस दिस ईयर, इस तरह की चीज़ों से आप उसको शुरुआत करोगे अपने उस टॉपिक की। देन एक्सप्लेनेशन होगी, डिटेल्स टू हैव द रीडर रिस्पॉन्ड करेक्टली, डिवाइसेस फॉर इजी रीडिंग लाइक बुलेटेड लिस्ट एंड नंबर्ड क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ योर एटीट्यूड, पॉजिटिव एम्फेसिस एंड रीडर बेनिफिट, अब ये सब चीज़ें एक्सप्लेनेशन में आएगी। डिटेल जब आप दोगे तो उसको बताओगे कि रीडर का जो है क्या रिस्पॉन्स, आपको किस तरह से करेक्टली रिस्पॉन्स करेगा, कौन सी डिवाइसेज हैं जो कि ईजी रीडिंग हो सकती है, जैसे कि बुलेट्स फॉर्म आप यूज़ कर सकते हो, नंबर क्वेश्चन हो सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ योर एटीट्यूड हो सकता है, पॉजिटिव एम्फेसिस हो सकता है, कब रीडर को बेनिफिट आप उसको बता रहे हो, या एक्सप्लेनेशन एंड अल्टरनेटिव। अब जब आप बैड न्यूज़ या इनडायरेक्ट मैसेज की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपको किस तरह की चीज़ों की एक्सप्लेनेशन देनी होगी, नीडेड डिटेल्स, आंसर टू क्वेश्चंस, टेक्टफुल एम्बेडेड बैड न्यूज़ के किस तरह से आप एक चलाकी से या जो आप अपने एक बैड न्यूज़ को आपने किस तरह से किन अल्फाज में आपने उनको ढका छुपा बताना है। देन काउंटर प्रपोजल्स, आइडियाज़ फॉर गेटिंग नीडेड हेल्प और फॉर फ्यूचर चेंजेस, सेल्स प्रमोशन फॉर अदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल, ये सब चीज़ें आपने उसमें एक्सप्लेन करनी है। देन अरोज द रीडर्स इंटरेस्ट टू कंटिन्यू रीडिंग द लेटर, अब आपने उसके इंटरेस्ट को बढ़ाना है। इन फैक्ट थैंक्स टू फ्रेड मोर योर टैक्सीज आर लोअर दिस ईयर, थोड़ा सा उसको खुश करके फिर आपने अपनी बात कंटिन्यू करनी। क्रिएट डिज़ायर टू हेल्प, नीडेड डिटेल्स, क्लियर बेनिफिट्स टू अ रीडर, ये सब चीज़ें आपने उसको एक्सप्लेन करनी है अपने रीडर को।